ओम यजुर्वेद अध्याय 35 मंत्र 18। ओम परिमे गाम अनेशत परियाग्निम आहरसत देवेशु अक्रत श्रवः कह इमाम आदधर्षति। वाह, इतना सुंदर मंत्र है। पर इमे गाम अनेशत, पर उपसर्ग है परिता सर्वता, सब प्रकार से इमे ये गाम, गाम में गम धातु से जाने का गति का अर्थ ले सकते हैं, लिखा है गति को। गा धातु का अर्थ स्तुत करना भी है, गति करना भी है, तो गति का अर्थ तो इसमें भी है, स्तुत करने का अर्थ भी है। तो गाम का अर्थ स्तुतियां, स्तुति को ऐसा भी किया जाता है, किसी विद्वान ने किया हो तो स्वीकार्य है, बिल्कुल ठीक है। गो धातु का अर्थ शब्द करना है तो गाम शब्द उससे भी लोग बनाते हैं, व्युत्पत्ति स्वीकार करते हैं, तो गाम का अर्थ वाणी को भी हो सकता है, वह अर्थ भी स्वीकार्य है। तो गति को, स्तुति को, वाणी को, तीनों ही अर्थ हमें स्वीकार्य हैं। अनेशत प्राप्त किया, आक्रिया उपसर्ग है, निष धातु है, प्राप्त करना ले जाना, निष्प्रापण धातु है जी। अनेशत प्राप्त किया, पर इमे गाम मनेशत, इन स्तुतियों को, इन वाणियों को, इन गतियों को, प्रगतियों को परि अनेशत परिता सब प्रकार से, सब ओर से अनेशत प्राप्त कर लिया है, जिन है ना, जिसने इन वाणियों को, स्तुतियों को, गतियों को सब प्रकार से प्राप्त कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। परि अग्निम अहरसत, और उसी प्रकार से अग्निम, अग्नि को, अग्नि अर्थात अग्रणी प्रगतिशील ग्राही परमेश्वर, जिसने अग्नि को, उस अग्रणी परमेश्वर को परि आहर्षत हर्षित कर दिया है, क्या बात है, परमेश्वर को प्रसन्न कर लिया है। देवेशु अक्रत श्रवः, देवेशु देवों में, देवजन प्रकाशमान विद्वान, उनके मध्य देवों में अक्रत किया, क्रिया धातु करना आ क्रिया उपसर्ग, अक्रत किया है। देवेशु अक्रत श्रवः, श्रवः श्रु सुनना, इसी से श्रुति बनता है, श्रवण बनता है, श्रवा अर्थात वाणी, श्रुति जो सुना जाए, श्रवण योग्य वाणी कह लीजिए। देवेशु अकृत श्रवा, देवों में श्रवण किया है, विद्वानों के बीच बैठकर उनकी वाणी को सुना है, ये अर्थ है इसका। तो कह रहे हैं कह इमाम आ दधर्षति, कह अर्थात कौन, इमाम इसको आ दधर्षति जीत सकता है। अब इसको कौन जीत सकता है, कितनी सुंदर बात है, छोटा सा और बहुत अच्छा मंत्र लगा हमें। पर इमे गाम अनेसत, इस वाणी को, इन स्तुतियों को, इस प्रकृति की गतियों को परि अनेसत परिता सर्वतः अनेसत प्राप्त किया है, जान लिया है, समझ लिया है, ग्रहण कर लिया है, और परि अग्निम आहरसत
और उस अग्नि को अग्रणी परमेश्वर को अहिर्सत प्रसन्न कर लिया है कि आप परमेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो उसे प्रसन्न कर लेंगे। जिसने स्तुतियों को वाणियों को प्राप्त कर लिया, परमेश्वर को प्रसन्न कर लिया, देवेशु अकृत स्रवा देवजनों विद्वानों के मध्य बैठकर उनकी वाणी का श्रवण किया है। ये तीन कार्य आपने कर लिए हैं तो वेद मंत्र आश्वस्त करता है। कहा इमाम आददर्शति, अब कौन है जो आपको जीत सके? आप अजय हैं, अब आपको कोई जीत नहीं सकता। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, विजय प्राप्त करना है तो ये छोटा सा मंत्र मुझे लगता है आप लोग चाहें तो सूक्त के समान इसे अपना लें, कंठस्थ कर दें, दीवारों पर लिख दें। पर इमे गाम अनेसत पर अग्निम आहरसत देवेश अकृत स्रवा का इमाम आ ददर्शती। स्तुतियों को वाणियों को गतियों को प्राप्त कर लें, परमेश्वर को प्रसन्न कर लें, विद्वानों के बीच बैठकर उनकी विद्या उपदेश को सुने तो फिर आप अजय हैं, फिर आपको कोई भी जीत नहीं सकता। बहुत सीधा सरल मंत्र, जितने बार दोहराएं एक और एक ही अर्थ है, इतना उत्तम अर्थ है। अब इसकी और व्याख्या की कोई आशा अपेक्षा आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ओम खम ब्रह्म। किसी का कोई प्रश्न विचार हो तो रख सकते हैं, ये मंत्र के लिए तो इतना पर्याप्त। जी किसी को कुछ कहना हो तो बोलिए या फिर समापन करें। जी किसी का कोई प्रश्न आदि नहीं है तो फिर समापन किया जाता है। प्रयास करें, जिनके पास पुस्तकें नहीं है जो सक्षम है कुछ मंगा लें, अच्छे कार्य में आपका सहयोग भी हो जाएगा और आपके लिए भी उपयोगी होगा। कल इस वेद कथा में हम लोग आचार्य जी, मैं पुस्तक मंगाना चाह रहा था तो गौरव जी को व्हाट्सएप कर दूं, यही सिस्टम होगा ना इसका? जी जी, आप गौरव जी को व्हाट्सएप कर दीजिए या हमको कर दीजिए, एक ही बात है। कहीं आपका मिल जाए, एक बार संपर्क हो जाएगा तो फिर होने लगेगा। ठीक ठीक ठीक, मैं आज आज ही लिख देता हूँ, ठीक है ना? धन्यवाद। एक बार जब संपर्क हो जाएगा व्हाट्सएप पर फिर तो चर्चा चलती रहेगी, फिर तो बात आगे बढ़ जाएगी ना। नहीं, पहले मैंने मंगाई एक पुस्तक तो व्याकरण की मंगाई थी, हम वेदायन मंगाना चाह रहा था और व्याकरण की एक और पुस्तक और किसी ने डिमांड करी है मेरे से, तो दो तीन पुस्तकें मुझे मंगानी है तो मैं व्हाट्सएप पे गौरव जी को डाल देता हूँ। हाँ नहीं, एक बार आप मंगा चुके हैं पर तो कोई और भी बात नहीं है, जो भी हो सहयोग राशि भेज दीजिए, पुस्तकों के नाम भेज दीजिए, चले जाएंगे। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद, नहीं करना है जी। तो फिर आज के सत्र को विराम दिया जाए, कल सायंकाल इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म।